अगर आप ये काम करते हैं तो जिस लड़की को आप पसंद करते हैं वो लड़की आपको लाइन देने लग जाएगी, वो लड़की आपको भाव देने लग जाएगी। और अगर आप अभी तक सिंगल हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सिंगल नहीं रहोगे फ्रेंड। जो पॉइंट मैं आपको समझाऊं, जो पॉइंट आपको मैं बताऊं, उस पॉइंट को आपको बारीकी तरीके से समझनी है और ध्यान से सुनना है भाई। और जैसा जैसा मैं बोलूं आपको वैसा ही सेम टू सेम करना है। देखिएगा फ्रेंड, वो लड़की जो आपको भाव नहीं दे रही है वो देने लग जाएगी, जो लड़की आपको लाइन नहीं दे रही है वो भी देने लग जाएगी, सिर्फ इन बेसिक टिप को फॉलो करके फ्रेंड। अब वो बेसिक टिप क्या है इस वीडियो को एंड तक वॉच करो, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, मेरे वीडियो आपको एंड तक देखने में अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करिएगा। चलिए बात करेंगे हम पॉइंट नंबर वन की। पॉइंट नंबर वन, देखो फ्रेंड, अभी तक कोई लड़की आपको इसलिए नहीं देख रही है, अभी तक कोई लड़की आपको इसलिए भाव नहीं दे रही है क्योंकि आपने अभी भी एक ही लुक, एक ही पर्सनैलिटी, वही घिसा पिटा हाल बना के रखा है। इसकी वजह से कोई लड़की आपको नहीं देख रही है या फिर कोई लड़की आपको भाव नहीं दे रही है या फिर लाइन नहीं दे रही है। भाई एक बात का ध्यान रखो कि लड़की के सामने जितना अपना अच्छा पर्सनैलिटी दिखाओगे, जितना अच्छा गुड लुकिंग अपने लुक को दिखाओगे और जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाओगे, उतना ही ज़्यादा चांस बनता है कि वो लड़की आपको सामने से ही अप्रोच करे, वो लड़की आपको सामने से ही बोलने आए कि तुम आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, क्या बात है, आज तो हीरो से कम नहीं लग रहा है, लाइक कुछ ऐसा। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मतलब आप महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने जिससे आप लगे कि एकदम रिच मैन है, उसके सामने एकदम फेक टाइप का इमेज बनाए, उसको ऐसा लगे कि बस भाई इस लड़के से अगर मैं सेट हो गई ना तो मेरे तो ये लड़का जीवन सुधार देगा। तो भाई मैं ये थॉट रखने को नहीं कह रहा आपको, क्योंकि ये थॉट स्पेशली कौन सी लड़की रखती है आपको पता है फ्रेंड, जो गोल्डी गर्ल होती है, जिनको लड़कों से नहीं लड़कों के पैसों से प्यार होता है, ये उस टाइप लड़की की सोच होती है। लड़की की सिंपल सी यही सोच है कि लड़का जैसा भी दिखता हो बस क्लीन दिखता हो, अगर उसने कपड़ा को पहन रखा हो तो गंदगी नहीं होनी चाहिए कपड़े पे, अगर जिसने जो कपड़ा पहना उस पर सेट होना चाहिए, मतलब मैच करना चाहिए वो कपड़ा, अगर वो बंदा आ रहा है तो ज्यादातर चप्पल में ना शूज में आए वो, क्योंकि शूज में चलने पर लड़का का एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है फ्रेंड। तो हो सके तो इन दो से तीन चीज बेसिक का आप फॉलो करें। और एक सबसे बड़ी बात, आपको पता है फ्रेंड कोई लड़की जल्दी क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि आपका चेहरा थोड़ा बहुत ऑयली सा रहता है, आपके चेहरे पे डल रहता है, आप अपने चेहरे को क्लीन नहीं रखते हो। अगर आप बियर्ड रखते हो तो बियर्ड को भी आप सेट में नहीं रखते भाई, एकदम बढ़ा लेते हो, इतने लंबे लंबे कर लेते हो, या किसी के बियर्ड यहाँ से आ रही है यहाँ से नहीं आ रही है, किस्तों पे बियर्ड लेके आते हो भाई मेरे। तो अगर आपकी किस्तों पे बियर्ड आती है तो भाई उसे क्लीन रखे, और अगर आपकी पूरी बियर्ड आती है तो उसे सेट में रखे भाई, एकदम बढ़िया लुक लगेगा। अगर आप वॉच पहनते हो तो और ज्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड, देखो अट्रैक्टिव लगता है वॉच पहनना भी। अगर आप फुल बाजू के कपड़े पहनते हो तो थोड़े थोड़े से उसको बस ऊपर स्लाइड करना है तो भी आपका लुक एकदम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये थी वो कुछ बेसिक से टिप जो आप घर बैठे भी फॉलो करके अट्रैक्टिव लुक पा सकते हो फ्रेंड। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की आपको भाव दे, कोई लड़की आपको लाइन दे, या फिर जिस लड़की को आप पसंद करते हो वो लड़की आपको सामने से अप्रोच करे, तो भाई ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपके लिए जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड पॉइंट नंबर टू की। पॉइंट नंबर टू, ये फ्रेंड एक पॉइंट नहीं है, एक ये सबसे बड़ा सवाल है बॉयज लोगों के लिए, लड़कों के लिए, कि सर कोई लड़की मेरी तरफ देखना तो दूर की बात, लाइन देना तो दूर की बात, वो तो मुझसे बात करना तक पसंद नहीं करती है, और अगर मैं किसी लड़की को अप्रोच करूं बात करने के लिए भी, या फिर मेरे पास इतनी इंस्टा आईडी है लड़कियों की, मैं उनसे बात करना चाहता हूं मगर वो फिर भी बात नहीं करती है, व्हाट्सएप पे मेरी इतनी सारी फ्रेंड है, मैं उनसे बात करना चाहता हूं मगर मुझसे वो बात नहीं करती है, सर हम फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, मेरे सारे दोस्त बात करते हैं और सभी से वो बात करती है मगर अगर मैं बात करना चाहूं तो मेरे को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा सवाल है फ्रेंड बॉयज लोगों के लिए कि सर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो कोई लड़की मुझसे बात नहीं करना चाहती है। आपके अंदर फ्रेंड सबसे बड़ी कमी है आपकी उदासी, आपका डीमोटिवेट होना, आपका चेहरा लटकाना फ्रेंड। एक बात ध्यान रखो, जो बंदा उदास रहता हो, जिसके चेहरे पर एकदम बारह सा बजाओ, जो बंदा हंसना नहीं जानता हो, उसके पास कोई भी भटकना नहीं चाहता भाई। अभी तो लड़की की बात कर रहे हो ना, धीरे धीरे लड़के भी आपसे दूर भागने लग जाएंगे, क्या ऐसा कौन दोस्त चाहिए जो एनी टाइम अपना मुंह लटका कर रखा रहता है। तो फ्रेंड जितना हो सके उतना खुश मिजाज टाइप का अपना नेचर बना के रखें, कॉमेडी करना सीखे, मिमिक्री करना सीखे, हंसाना सीखे लोगों को। आप जितना ज़्यादा हंसाओगे उतना ज़्यादा आपके से लोग अट्रैक्ट होंगे, और जब लोग अट्रैक्ट होंगे तो भाई बेसिक सी बात बताऊँ आपको मैं, लड़की भी अट्रैक्ट होगी। अब तुझे पता है तू किस लड़की के बारे में कह रहा है, अरे भाई गौड़ो क्या मस्त कॉमेडी करता है, उसकी मिमिक्री देखता है, वो बात इस तरीके से करता है ना कि भाई को मतलब मजा आ जाता है। अब वो लड़की ना चाहते आपसे बात करेगी कि मैं भी जरा चेक करूँ उस लड़के को कि वाकई में मिमिक्री कर सकता है, क्या वाकई में कॉमेडी करता है। तो भाई सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि आपके
चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। एक अच्छा स्माइल हर किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है। अगर आप इंटरव्यू भी देने जाते हो ना, तो अगर आपके चेहरे पर रियल स्माइल है तो भी फ्रेंड बहुत कम चांस होते हैं कि आप इंटरव्यू में फेल हो जाओ। अगर आपके चेहरे पर अच्छा स्माइल है तो सामने वाला इंसान आपसे हंसकर बातें करता है, आपकी बड़ी से बड़ी बातों को नॉर्मली लाइट में ले लेता है फ्रेंड। तो एक अच्छा स्माइल होना बहुत जरूरी है। और सबसे आसान बात, अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की आपसे बात करे किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी जगह, तो फ्रेंड आपका नेचर हंसी मिजाज वाला होना चाहिए, कॉमेडी करना आना चाहिए आपको, तो हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई को इंटरेस्ट आएगा आपसे बात करने में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। और इंटरेस्ट दिखाने के लिए फ्रेंड चाहो तो आप उसके इंटरेस्ट से जुड़ी हुई बातें भी आप कर सकते हो। और जहां तक बात रही ना मिमिक्री करना, सर ये तो बहुत मुश्किल होता है। नहीं भाई मेरे, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, यार थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा नहीं होता है, समझ गए मेरे भाई। ना मुन्ना, अगर अभी भी तेरे को समझ में नहीं आया ना, तो फिर तू बेकार है। नॉर्मली सी बात है फ्रेंड, आपको ये सब चीजें करनी है। ना आप अच्छे मिजाज के बन सके, ना आप कॉमेडियन बन सके, और ना कोई लड़की आपसे बात करना चाहे, तो आप मुझसे कहना फ्रेंड। और एक दो लड़की की बात कर रहे हो आप, भाई इतनी लड़की आपको लाइन देगी कि गिन नहीं पाओगे, समझिए। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 2। अगर आपको यहां तक वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा भाई, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। और अब तीसरी बात, क्यों कोई लड़की आपको लाइन नहीं दे रही है, क्यों कोई लड़की आपको भाव नहीं दे रही है, क्यों कोई लड़की आपसे बात करना नहीं चाहती है, क्यों कोई लड़की आपके आसपास नहीं भटकती है? क्योंकि आप ये खुद चाहते हो। आप खुद चाहते हो कि कोई लड़की आपसे बात ना करे, आप खुद चाहते हो कि कोई लड़की आपको लाइन ना दे, आप खुद चाहते हो कि कोई लड़की मेरे आसपास ना भटके। अब आप बोलोगे, अरे लव एडवाइस भाई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, अगर हम ये सब चाहते हो तो हम तेरी वीडियो क्यों देख रहे होते। भाई मेरे, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपके अंदर 0 कॉन्फिडेंट है, आपके अंदर गट्स नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। जी हाँ, अब आपका फ्रेंड सच बताना, अपने दिल पर हाथ रख के बोलना कि आपके अंदर हिम्मत है क्या, आप लड़की से बात करते समय घबराते नहीं हो क्या, आप कोई लड़की अगर आपको देख रही हो तो आप डरते नहीं, उसको बिंदास दिखते हो, चेहरे पर स्माइल लगते हो? नहीं, ऐसा आप नहीं करते। आप घबरा जाते हो, डर जाते हो, जिसकी वजह से उस लड़की के ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। उस लड़की को लगता है ये लड़का तो डरपोक है यार, इससे कौन बात करना चाहेगा, ये मेरे सामने इतना डर रहा है, कल को अगर मैं किसी पार्क में घूमूंगी या कहीं जगह घूमूंगा और किसी ने देख लिया, इसकी तो फटके 4 हो जाएगी यार, तो मेरे को ऐसा बंदा नहीं चाहिए। ये चीज आपकी जो सोच है ना, इसे खत्म करो भाई मेरे, ये सबसे बड़ा रीजन है। आप डरते हो, आपके अंदर हिम्मत नहीं होती। और हिम्मत आती कहाँ से, डर निकलता कैसे फ्रेंड, नॉर्मल सी टिप आपको समझाता हूँ। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंट है ना कि मैं जैसा भी हूँ मैं बेस्ट दिखता हूँ, मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, मेरा लुक बाय अच्छा है, मैं बहुत अच्छे तरीके से हूँ, मैं अट्रैक्टिव दिखता हूँ, मेरे को हंसाना आता है लोगों को, तो फ्रेंड आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, आप किसी भी लड़की से बात करते समय घबराओगे नहीं। अगर फ्रेंड आप घबराते हो तो जिंदगी भर सिंगल रहोगे भाई, बेसिक सा टिप है, समझना है तो समझो, और नहीं समझाता हूँ तो भाई कोई बात नहीं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता मैं आपसे, तो भाई ये चीज आपको समझना जरूरी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अगर कोई लड़की आपको देखकर स्माइल करे तो आप भी उसे देखकर स्माइल करो। और जहां तक सवाल रहा ना कि सर कोई लड़की मुझे देखकर स्माइल ही नहीं करती है, तो भाई जो मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया था ना, लुक आपका अट्रैक्टिव है तो हर कोई लड़की आपको देखना चाहेगी और देखकर स्माइल करेगी। क्यों भाई, लड़का कितना स्मार्ट दिख रहा है यार, देख तो सही, अबे और लड़कों को भी देख और इसको देख, ये अपना को कितना ज्यादा क्लीन रखता है, कितना साफ सुथरा रखता है। और लड़की को साफ सुथरा रहना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है फ्रेंड। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि लड़की घर में कैसे भी खाती हो, मगर किसी के साथ अगर वो घूमने जाती हो बाहर पार्टी रिसेप्शन में, तो चम्मच से इतनी इतनी बाइट लेती है ताकि उसकी लिपस्टिक खराब ना हो जाए। क्यों सोचो, क्योंकि उन्हें क्लीन रहना पसंद है भाई। तो आपको फ्रेंड मर्जी है अगर आप ये तीसरा पॉइंट फॉलो करो या ना करो, पर आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट लेके आते हो तो समझ जाओ भाई सिंगल कमी नहीं होगे, हर कोई लड़की आपको लाइन लग जाएगी। और कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है, मैंने आपको ये भी समझा दिया, खुद से ही आता है। जब आप खुद को ही रिस्पेक्ट दोगे, खुद को ही समझोगे कि मैं दिख रहा हूँ बेस्ट दिख रहा हूँ, मेरा लुक बहुत बढ़िया लग रहा है यार, मैंने खुद जज किया है, मेरे दोस्तों लोगों ने बोला कि तुम मस्त दिख रहा है, हीरो दिख रहा है, तो अप्रोच कर सकता हूँ, तो बात कर सकता हूँ, मैं क्यों पीछे हटूँ। अरे एटलीस्ट मन में ये तो नहीं रहेगा कि मैंने बात तक नहीं की इससे, मैंने इसे कुछ कहना नहीं चाहा, नहीं ना। तो ये चीज समझिएगा भाई। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी बात को लेकर टेंशन चल रही है, किसी फीलिंग को शेयर करना है मेरे साथ, तो भाई ये रही मेरी इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है kailashrai2.0, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा भाई मेरे। और बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि जो आप जो कहते हो ना कि सर आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, सर मैंने आपको DM किया है, सर मैंने आपको मैसेज किया है, पढ़ तो लो मेरी जान, हाय हेलो इसका कौन रिप्लाई देता है यार, बहुत है भाई, कितने को रिप्लाई दो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, पूरा एक्सप्लेन करो, जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो कवर होगी भाई की
वादा है आपसे, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो भाई देखो बिना लाइक किए जाना मत ना यार, प्लीज यार। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना और अपने दोस्त के साथ वीडियो शेयर करना अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या दम हो मेरी बात में। तो